आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो अगर आपने देख ली तो आपको सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं किसके साथ क्या लगता है और क्यों लगता है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये ही शी इट और नेम ये वाला जो ग्रुप होता है ना ही ही का मतलब लड़का और शी हम लगाते हैं किसी फीमेल के लिए सो ही मेल शी फीमेल इट ये नेम कोई सा भी नाम दिव्या सीमा रीटा गीता रमेश आकाश कुछ भी नाम सो so, ये ही शी इट नेम कभी भी कोई सेंटेंस आप स्टार्ट करोगे ही से शी से तो जो उसका प्रेजेंट टेंस में जो लगता है वो लगता है इज या फिर हैज सो ही इज शी इज शी हैज बीन डूइंग दिस फलाना निमगाना आगे आप जो भी लाइन बनाते हो इट इज इट इज रेनिंग नेम कोई सा भी सारा इज डूइंग समथिंग सारा हैज अ पेन ऐसे so, आप सेंटेंस बनाओगे पास्ट में लगता है वॉज और हैड और फ्यूचर में लगता है विल अब आते हैं आए पे आए होता है मैं सो so, मैं का क्या होगा प्रेजेंट टेंस में लगता है आई एम या फिर हैव पास्ट टेंस में लगता है आई वॉज या फिर हैड और फ्यूचर टेंस में लगता है अगेन विल अब यू यू क्या है यू का है तुम सो so, तुम अपनी हद में रहो यू स्टे इन योर लिमिट्स You बी इन योर लिमिट्स तो प्रेजेंट टेंस में हम यू के साथ आर लगाते हैं या फिर हैव लगाते हैं पास्ट टेंस में हम वर्ड लगाते हैं हैड लगाते हैं और फ्यूचर टेंस में हम फिर से विल लगाते हैं तो सेंटेंस अगर हमें कुछ भी बनाना हो तो हम बोलेंगे यू आर यू हैव यू वर और यू हैड वर्ड और हैड अगर आपने देख लिया तो आप समझ जाना कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपने हैज देखा या फिर हैव देखा तो आप समझ जाना कि हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करिए और फ्यूचर टेंस सबका विल और शैल है शैल इतना कोई लगाता नहीं है तो शैल को हम छोड़ देंगे हम सिर्फ और सिर्फ विल पे फोकस करेंगे और इस कंसेप्ट को बहुत ही इजी और बना देंगे अच्छा अब हम आते हैं वी पे वी का हिंदी होता है हम सो so, हम के बारे में जब भी, भी बात होती है तो हम प्रेजेंट में आर और हैव लगाते हैं पास्ट में वर और हैड लगाते हैं और फ्यूचर में अगेन विल लगाते हैं दे दे का हिंदी होता है वे सब सो दे से हम प्रेजेंट में आर और हैव लगाते हैं सो दे आर दे हैव ऐसे ही सेंटेंस फॉर्मेशन की शुरुआत होगी अगर आपको दे से कोई सा भी सेंटेंस बनाना हो किसी को कुछ बोलना हो तो आप बोलेंगे दे आर और दे हैव पास्ट में वही लग जाएगा वर एंड हैड और फ्यूचर है में विल सो विल तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि विल सबके लिए सेम है प्रेजेंट में आप देखिए आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा इन सब में आर लगता है प्रेजेंट में यू के साथ वी के साथ दे के साथ आर लगता है और हैव लगता है प्रेजेंट में सो so ये तो आपको अच्छे से याद हो गया पास्ट में इन तीनों के साथ लगेगा वर और हैड हैड तो आप ऐसे बोल सकते हैं अगर आपने कहीं भी हैड देखा किसी सेंटेंस में तो आप समझ जाना कि हम पास्ट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं जो बीत चुका है फॉर एग्जाम्पल मैंने कल पिज्जा खाया था आई हैड पिज्ज़ा यसटडे सो ये वर् और हैड यहाँ से आगे और ये तो सबके लिए विल सबके लिए सेम होगा अब हम इससे अब इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे मैं आप लोगों को इन सब से लेके इन सब का यूज करके सेंटेंस बनाऊंगी और आप उसको देखना कि इससे 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 सेंटेंसेस कैसे बनते हैं सो so, अभी जो हमने पढ़ा है उसको हम फटाफट सेंटेंसेस में देख लेते हैं सो ही शी इट और ये जो नेम वाला ग्रुप है ना इसमें हम प्रेजेंट टेंस में इज़ और हैज़ लगाते हैं तो हम इससे सेंटेंस अगर बनाए बनाएं तो ही इज़ अ डॉक्टर इट इज़ अ कैट शी इज़ रीडिंग अ बुक और अगर कोई नेम से बनाए तो रेशमा इज़ गोइंग फॉर अ वॉक है ना हम ऐसे भी बोल सकते हैं शी हैज़ अ कार इट हैज़ अ वाइट

इसमें एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर फॉर एग्जाम्पल आई के साथ कुछ कुछ सिनारीोज़ में जब हम इमेजिनेशन इमेजिन करते हैं तो वर्ड भी लगता है अच्छा कमिंग बैक टू द टॉपिक शी के साथ पास टेंस में वॉज लगता है तो सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज हैप्पी ही वॉज हैप्पी ही हैड अ पेन शी हैड अ पेन इट वॉज रेनिंग पारस वॉज़ टायर्ड तो ये हमारा पास टेंस बन जाएगा और फ्यूचर टेंस में आपको पता है कि जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम विल का यूज़ करते हैं तो शी ही विल गो टू पार्टी इट विल रेन टमोरो पारस विल कुक फूड सो ये हमारा हो गया ही शी इट और नेम वाला ग्रुप है ना सो so वी का हो गया हम और इसको हम प्रेजेंट में हो जाता है वी आर वी हैव पास्ट में वी वर एंड वी हैड सो प्रेजेंट का सेंटेंस हो जाएगा वी आर गोइंग वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू पास्ट का हो जाएगा वी हैड अ फेंटेस्टिक टाइम वी वर एक्साइटेड टू मीट हिम अब हम आते हैं यू पर यू का हिंदी होता है तुम सो इसका हो जाएगा अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करें यू आर डूइंग एन एक्सीलेंट जॉब यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर और पास्ट में आता है वर्ड और हैड सो यू व काइंड इनफ टू हेल्प मी यू हैड अ कार ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल सेंटेंसेज बना के हमको इंग्लिश सीखनी है हमको कोई हाई फाई वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं और हाई फाई हमें कोई बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं ठीक है अब हम आते हैं लास्ट वाले पे जो कि है दे दे का होता है वे या फिर वे सब जो हिंदी होता है सो प्रेजेंट टेंस में होता है आर और हैव और पास्ट टेंस में होता है वर्ड एंड हैड फटाफट इसके सेन्टेंसेस देख लेते हैं दे आर द टॉप परफॉर्मर्स दे हैव स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दे वर् सरप्राइज दे हैड अ मेमोरेबल वेकेशन इन मनली मेमोरेबल का हिंदी होता है कि यादगार वेकेशन उनका हुआ था मनली में जब वो छुट्टियों पर गए थे सो so, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी मुझे प्लीज़ कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपने क्या क्या नया सीखा और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो मैं टेंसेस पढ़ाने वाली हूँ कि स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको कितनी टेंसेस आनी चाहिए और आप कैसे टेंसेस पढ़ें कि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश एकदम आपके मुट्ठी में हो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी सर्वाइवल इंग्लिश के बारे में तो उसका मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगी वीडियो का वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है सो मेक श्योर यू गाइज गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज दैट वीडियो इज़ रियली रियली वेरी इम्पॉर्टेंट वेन वो वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोकन इंग्लिश सर्वाइवल इंग्लिश उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि सर्वाइवल इंग्लिश के लिए आप लोगों को कितनी अंग्रेज़ी आनी चाहिए कितने सेंटेंसेज आपको आने चाहिए जो रोज आप इस्तेमाल करते हो डे टू तो डे लाइफ में एंड नाउ कम्स द फाइनल पार्ट ऑफ दिस सेक्शन इफ़ यू वॉन्ट दैट आई शुड बी मेकिंग वीडियोज़ लाइक दिस प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि मैम इसका पार्ट टू आप लेकर आइए सो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो अभी अगली वीडियो तो मेरी टेंसेस के बारे में होने वाली है और उसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं इसका पार्ट टू लाऊंगी ऐसे ही बिल्कुल डिटेल में सेंटेंसेस के साथ ताकि आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बाय बाय